is the last topic, okay, from this unit number 5 and number 6 I shared. Okay, so the topic for today, that is body elimination deviation. Okay, pehle to body matlab patient ki body hai na, our body, individual's body, okay, from head to toe, okay, every body organ. Then elimination ka matlab hai eliminate karna, remove karna. ठीक है, सो देर आर सो मेनी वेस्ट हमारी बॉडी से जो निकल जाते हैं, जैसे स्वेट, स्वेटिंग होता है ना. सो व्हेन वी आर व्हेन जब ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गर्मी की वजह से, स्वेटिंग हो जाता है. सो स्वेट इज कमिंग आउट, सो इट इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. देन अपार्ट फ्रॉम दैट यूरिन है ना, यूरिन ऑल्सो. ओके, सो व्हेन वी यू नो यूरिन ऑल्सो कम्स आउट and also stool or feces, yeah, we pass stool. Okay, so these are some of the you can say the elimination. And also you can say vomiting. Okay, vomiting also we are removing some waste from the mouth. Okay, so that is also an elimination. Okay, so in body elimination deviation, okay, so I will focus on two things, that is bowel function. Okay, and the other is bladder function. Okay, so first of all, regarding with the bowel function. Okay, so you can see here, what is this called? So kya bolte hai, kaun sa system hai ye? Does anybody know? Digestive system, or we call it as a gastrointestinal system, GI system, gastrointestinal system, or you can call it as digestive system. Okay, so in digestive system we have, पहले क्या आते हैं, esophagus. Esophagus का दूसरा नाम क्या है, food pipe, ना. So we have the esophagus. फिर esophagus के साथ क्या connect हो जाते हैं, stomach. ठीक है, फिर after stomach then starts the small intestines, यहाँ. ठीक है, सो दीज आर ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देर आर थ्री थिंग्स, वन इज ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ठीक है, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, दीज आर द थ्री, दीज आर स्मॉल इंटेस्टाइन. देन आफ्टर दैट वी हैव द सेकम ऑल्सो. ओके, एंड आफ्टर सेकम वी हैव, वी स्टार्ट विद द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लार्ज इंटेस्टाइन वी हैव असेंडिंग कोलोन, फिर आते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर आते हैं सिग्मोइड कोलोन, फिर रेक्टम एंड एनस. ओके, सो वट एवर वी ईट, जो भी फूड कंटेंट, ठीक है, द फूड और द मील दैट वी आर ईटिंग, जो भी हम खाना खाते हैं, तो वो कहाँ से जाते हैं, इट इट गो थ्रू द एसोफैगस, है ना. फ्रॉम द माउथ इट विल गो टू द फूड पाइप, फिर फूड पाइप से कहाँ जाते हैं, स्टमक. ठीक है, सो व्हेन इट रीचेस द स्टमक इट विल मिक्स विद द एचसीएल एसिड. ठीक है, फिर इट विल स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट विल स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव. ठीक है, सो फूड कंटेंट फ्रॉम द स्टमक विल बी डाइजेस्टेड, विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर और डाइजेशन हो जाएगा, देन इट विल गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे आ जाएगा इन टू द रेक्टम, फिर इट विल कम आउट फ्रॉम द एंड्स. ठीक है, तो हम क्या पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बाउल फंक्शन और द डाइजेस्टिव सिस्टम. इज दिस क्लियर विद द डाइजेस्टिव सिस्टम? किसी को डाउट है यहाँ तक? ओके, सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, दैट इज बॉडी एलिमिनेशन डिविएशन. डिविएशन का मतलब है डिविएट करना, जो नॉर्मल रास्ते हैं वहां से अलग ना डिविएट होना है, या एनी अदर प्रॉब्लम फ्रॉम द नॉर्मल प्रोसेस. ठीक है, सो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बाउल, बाउल से रिलेटेड, बाउल फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, व्हाट आर यू नो डेली डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, हु कैन टेल मी? नोबडी? मैं फिर से बोलिए, डायरिया. डायरिया है ना,
तो कोई भी एनी प्रॉब्लम इन आर स्टमक ना, एनी प्रॉब्लम इन डाइजेशन, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स रिलेटिंग विद आर डाइजेस्टिव सिस्टम, वी कॉल इट एज बाउल एलिमिनेशन डिविएशन. सो द फर्स्ट इज डायरिया. सो देर इज डायरिया, देर इज कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन तो सुना होगा सबने, है ना? यस मैम. ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, फिर एक बोलते हैं फीकल इनकॉन्टिनेंस. ठीक है, आई विल टीच यू इन द लेटर स्लाइड. देन वी ऑल्सो हैव फ्लैटर्स, गैस पास करना है, ऐसे बोलते हैं ना, गैस एसिडिटी हो रहा है. ठीक है, एसिडिटी की वजह से यू आर पासिंग अ लॉट ऑफ गैस. ठीक है, सो दैट इज वी कॉल इट इन मेडिकल टर्म. अगर गैस पास करना है फ्रॉम द एनस एरिया, उसको बोलते हैं फ्लैटस. ठीक है, सो इन बाउल या सो सेलेक्टेड फीकल एलिमिनेशन प्रॉब्लम. सेलेक्टेड फीकल, फीकल याद रखना, जहाँ तुम देखोगे फीसेस या फीकल, ये किससे रिलेटेड है? स्टूल के साथ. ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द स्टूल, इज द सेम. ठीक है, सो सेलेक्टेड स्टूल एलिमिनेशन प्रॉब्लम या सेलेक्टेड फीकल एलिमिनेशन प्रॉब्लम, जैसे कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं ना, स्टूल अच्छी तरह से पास आउट नहीं होता है फ्रॉम द एनस एरिया. देन डायरिया है ना, दिस आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम. फिर बाउल इनकॉन्टिनेंस एंड द अदर इज फ्लैटुलेंस. फ्लैटुलेंस का मतलब है गैस पास करना. ठीक है, एक्सेसिव गैस पास करना है, दैट इज फ्लैटुलेंस. सो आई विल टीच यू इन डिटेल अबाउट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, बाउल इनकॉन्टिनेंस एंड फ्लैटुलेंस. ठीक है, इन द कमिंग स्लाइड्स आई विल टीच यू मोर अबाउट दीज टॉपिक्स. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर द फोर सेलेक्टेड फीकल या फोर सेलेक्टेड स्टूल एलिमिनेशन प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं कि डेली हम स्टूल पास करते हैं, है ना, वी आर पासिंग स्टूल. ठीक है, सो समटाइम्स जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है या एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग, या ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया या जंक फूड खा लिया, सो वॉट हैपन इज यू कैन हैव डायरिया. है ना, होता है ना सबको, इफ यू हैविंग टू मच ऑफ स्पाइसी फूड. यस मैम. सो सो पेशेंट्स अ पीपल कैन हैव प्रॉब्लम. ठीक है, अगर स्पाइसी फूड ज़्यादा खा लिया तो क्या हो जाता है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? डायरिया. देन पेट खराब हो जाते हैं. ठीक है, सो डायरिया. देन वी हैव ऑल्सो हैव बाउल इनकॉन्टिनेंस का मतलब है जब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे. ठीक है, सबके पास, हर इंडिविजुअल के पास एक पावर होता है. ठीक है, पावर ऑफ कंट्रोल. ठीक है, अगर हम मान लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बस में या ऑटो में, ठीक है, यू आर हैविंग डायरिया. ठीक है, बहुत प्रेशर आ रहे हैं. ठीक है, यू आर कंट्रोलिंग. ठीक है, तुम कंट्रोल कर रहे हो कि यू नो मुझे बस जल्दी घर पहुंचना है और मुझे टॉयलेट में जाना है, है ना, सो दैट आई कैन पास स्टूल. क्यों? क्योंकि यू आर हैविंग डायरिया. ठीक है, सो वो जो कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है, अगर तुम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मल. लेकिन सच इन सम कंडीशन क्या होता है कि पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल. ठीक है, तो वो अपने आप छोटा अमाउंट की जो स्टूल है वो निकल जाती, लीक हो जाते हैं. ठीक है, जब तक वो टॉयलेट पहुंच जाते हैं तो रास्ते में लीक हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस. ठीक है, सो दीज आर द फोर प्रॉब्लम्स. ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ कॉन्स्टिपेशन. ओके, बिफोर दिस एनीबडी हैज एनी डाउट विथ दीज फोर प्रॉब्लम्स? किसी को डाउट है? No, ma'am. Okay. So these are very common constipation, diarrhea. To suna hoga. I think everybody has had constipation. They must have diarrhea. In our life, me diarrhea constipation to hota hai. This is like almost like a normal life. Okay. So constipation. First of all, constipation. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन इट इज अ सिम्टम, इट इज़ नॉट अ डिज, ये एक डिजीज कंडीशन नहीं होता. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ये डिजीज नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम है, एक साइन एंड सिम्टम है. ठीक है, नंबर टू,
डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन, मतलब डिक्रीज नंबर ऑफ टाइम्स यू आर पासिंग स्टूल, ठीक है. कॉन्स्टिपेशन इज, उसमें क्या होता है कि जो स्टूल है वो बहुत ही हार्ड है, ठीक है, दे आर हार्ड, ये बहुत ही हार्ड है, ये ड्राई है एंड दे आर फॉर्म्ड स्टूल. ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है, दे आर हार्ड, दे आर ड्राई, फॉर्म्ड स्टूल. एंड ओके, एंड जब कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो जो नंबर ऑफ टाइम्स जब तुम वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो स्टूल पास करने के लिए, वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है. आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव एक्सपीरियंस, ठीक है, जब कॉन्स्टिपेशन होते हैं तो यू आर द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गोइंग टू द वॉशरूम वो डिक्रीज हो जाते हैं, है ना, बहुत कम टाइम जाते हैं वॉशरूम के लिए. ओके, व्हेन यू आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन, व्हाई, दिस इज बिकॉज द स्टूल, वो जो स्टूल फॉर्म्ड होता है ना वो हार्ड है एंड दैट इज ड्राई, सो दैट इज यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम. देन व्हाइल पासिंग स्टूल, ठीक है, जब स्टूल पास करते हो कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे, यू आर पुटिंग प्रेशर, है ना, सो यू आर पुटिंग प्रेशर सो दैट वो जो हार्ड स्टूल है वो निकल जाएगा फ्रॉम द रेक्टम एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द एनस, ठीक है, सो यू आर पुटिंग प्रेशर, दैट इज स्ट्रेनिंग, सो देयर विल बी स्ट्रेनिंग एट द स्टूल. Then there will be painful defecation. ठीक है, जब स्टूल पास करते हैं तो प्रेशर की वजह से पेन हो रहा है, ठीक है, there will be pain in the anus area. ठीक है, then so these are some of the situations that you will have while suffering from constipation. Okay, then causes. What are the causes for constipation? क्यों होता है constipation? ठीक है, number one, insufficient fiber. अगर fiber diet अच्छे तरह से नहीं ले पा रहे patient को, तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. नंबर टू, अगर खूब सारा पानी नहीं पीते, मतलब दिन में सिर्फ एक ग्लास पीते या दिन में सिर्फ दो ग्लास पानी पीते, सो दैट इज़ वेरी लेस, है ना, बहुत ही कम है, ठीक है, दिन एक दिन में एवरी इंडिविजुअल शुड ड्रिंक 2 to 3 liters एट लीस्ट, है ना, गर्मी अभी समर सीजन में तो एटलीस्ट यू शुड ड्रिंक 2 to 3 liters, ठीक है. लेकिन अगर इंडिविजुअल या अगर कोई भी इंसान सिर्फ एक ग्लास या दो ग्लास या तीन ग्लास पानी पीते हैं दिन में, पूरा दिन में, तो फिर पेशेंट कैन हैव कॉन्स्टिपेशन. देन अनदर कॉज इज इनसफिशिएंट एक्टिविटी, ठीक है, एक ही जगह में बैठ रहे पूरा दिन, ये बेड पे लेट रहे और टीवी देख रहे पूरे दिन, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग फ्रॉम हियर टू द किचन, किचन जाओ, खाना बनाओ, खाना खा लो, फिर दोबारा बेड पे लेटो, ठीक है, तो देर इज़ नो एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, ठीक है, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, यू आर नॉट डूइंग एनी योगा, तो एक्टिविटी इन ये जो कम एक्टिविटी है उसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है. एंड लास्ट इज इरेगुलर हैबिट्स. इरेगुलर हैबिट्स कैन बी यू नो नॉट ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है, ये हैबिचुअल हो गया, ये हैबिचुअल बन चुका है, सो इरेगुलर हैबिट्स आल्सो कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन, ठीक है. इज दिस क्लियर अबाउट कॉन्स्टिपेशन? किसी को डाउट है? सो दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक, है ना, कॉन्स्टिपेशन सबको, मतलब एवरीबॉडी मस्ट हैव एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन, है ना. You must have, when passing stool in constipation, you must be putting a lot of pressure, you know, so that wo jo hard stool hai wo nikal jayega, na, you are having pain in the anus area, jab stool pass karte ho to anus area mein pain ho raha hai because of the pressure, because of the stool, theek hai, bahut hi hard hai, so it is causing irritation to the anus, theek hai. Then the number of times you are passing stool, that will be decreased in constipation. Okay, so these are some of the, this is about the constipation. You can see the picture here also. Okay, so this is the colon, and this is a large intestine. Okay, ye ascending colon, ye transverse colon, aur ye hai descending colon, fir aate hai sigmoid colon, fir rectum, fir anus. So what happening in constipation, wo jo stool hai, wo jo fecal matter hai, ठीक है, फीकल मैटर बोलते हैं मेडिकल टर्म पे, तो जो फीकल मैटर है वो हार्ड है, वो ड्राई है, एंड
एंड इट इज यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट. ठीक है, अंडर ग्रेविटी से भी बहुत ही मुश्किल है टू कम आउट फ्रॉम द एनस. सो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, अ लॉट ऑफ स्ट्रेनिंग. ओके, सो दैट इज कॉन्स्टिपेशन. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? किसी को डाउट है? नेक्स्ट इज डायरिया. यू कैन हियर मी? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट इज डायरिया. डायरिया, ओके, सो एवरीवन अगर ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, ज़्यादा यू नो का खाना बनाया है, तो समटाइम्स पीपल कैन हैव डायरिया. ठीक है, या जंक फूड खा लिया, बाहर से मोमोज खा लिया है ना, जो सॉस है वो बहुत ही स्पाइसी है. ठीक है, और एनी जंक फूड, ठीक है, देन इट कैन इरीटेट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. ठीक है, सो डायरिया इज पैसेज ऑफ लिक्विड फीसेस और लिक्विड स्टूल एंड इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन. तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही डिफरेंस है. ठीक है, डायरिया में वो जो स्टूल है या जो फीकल मैटर है वो हार्ड है और वो ड्राई है, लेकिन डायरिया में वो जो फीकल मैटर है वो बहुत ही लिक्विड लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, सो देयर इज लिक्विड एंड इट इज ऑल्सो लाइक सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड. देन पैसेज ऑफ लिक्विड फीसेस एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी. देखो, कॉन्स्टिपेशन में जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गोइंग टू द वॉशरूम, गोइंग टू द टॉयलेट एंड पास टूर, वो कम है कॉन्स्टिपेशन. लेकिन डायरिया में बहुत ही बार जा रहे हैं वॉशरूम में, है ना, दिन में लाइक 4-5 बार. अगर डायरिया हो रहा है तो 4-5 बार या 6 बार भी जा सकते हैं वॉशरूम. सो द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज. Then in diarrhea, patient can have cramps, ठीक है, spasmodic cramps, क्योंकि पेट में ऐसे cramping हो रहे हैं, क्योंकि muscles ऐसे cramps हो रहे हैं. ठीक है, so there is muscle spasm, contraction of the muscles हो रहे हैं. ठीक है, so because of that contraction, because of the spasm, patient को pain हो रहा है, तो उसको बोलते हैं spasmodic cramps. And there will be increased bowel sounds, और पेट से ना अजीब वो जो bowel sounds है वो इंक्रीज्ड होगा, ऐसे अजीबसी वॉइस अजीबसी नॉइस आ जाएगा फ्रॉम द स्टमक. ठीक है, उसको बोलते हैं बावल साउंड. सो देर विल बी इंक्रीज्ड इन नंबर ऑफ बावल साउंड. देन पेशेंट कैन हैव फटीग, वीकनेस, मलेस एंड इमेसिएशन. सो पेशेंट कैन हैव वेरी पेशेंट है ना स्टूल पास करने के बाद है ना पेशेंट कैन हैव डायरिया, पेशेंट कैन हैव वीकनेस, बहुत ही टायर्ड, बहुत ही वीक फील हो रहे हैं एंड फीलिंग वेरी यू फील लाइक डूइंग नथिंग. ठीक है, बस लेटना है बेड पे. ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रैम्प्स, बिकॉज ऑफ अबडोमिनल पेन. ठीक है, यू आर फीलिंग वीक, यू आर फीलिंग टायर्ड. देन सिम्पटम ऑफ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ GI ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज डायरिया. ठीक है, सो इन डायरिया, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, द डाइजेशन प्रोसीजर वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, अब्सॉर्प्शन वो भी अफेक्ट हो जाते हैं एंड सिक्रीशन ऑफ द GI ट्रैक्ट, ये तीनों चीज़ें अफेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, वेयर इन डायरिया. सो द मेन कॉजेस ऑफ डायरिया, क्यों होता है डायरिया? इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, एग्जाम स्ट्रेस. ठीक है, मान लो कल पेपर है, ठीक है, और आज लास्ट मोमेंट स्टडी कर रहे हैं, सो you are having stress, so you can have diarrhea. Then some medication, okay, some specific medication can cause diarrhea. Fir allergies ki wajah se bhi diarrhea ho sakta hai. Then intolerance of food or fluids, okay, matlab some patients are not tolerable to milk, wo milk ya doodh nahi pee sakte ya koi bhi milk products wo nahi le sakte. Kyun? Kyunki wo unki jo GI system hai wo tolerate nahi kar pa rahe. Okay, the digestive system of those patients are not tolerable to milk products, so we call it as intolerance of fluid or foods. And if patient is having any infection, okay, colon mein infection hai, okay, small intestine mein infection hai, large intestine mein infection hai, ya ulcers hai, chhala hai, to fir the patient can have diarrhea. Yeah, so these are some of the causes of diarrhea. Apart from this, you can add eating too much of spicy food, eating too much of pickle, achar, ye sab oily food, that can also cause diarrhea. Okay,
Is this clear with everyone? Is it a doubt? Yes, ma'am. Now coming to the fecal incontinence. Okay, fecal incontinence. जैसे मैंने बोला है, incontinence का मतलब है जहाँ control नहीं कर पा रहे. ठीक है, we are not able to control. ठीक है, so इसके बारे में जाने से पहले I will teach you that there is an anal sphincter. ठीक है, anus में, this is a rectum. ठीक है, और ये है anus. ठीक है, anus के अंदर दो sphincters होते हैं. Sphincters like जैसे rubber bands होते हैं. ठीक है, वो loose होता है, वो tight हो जाते हैं. ठीक है, so it's like a rubber band. ठीक है, so there are two sphincters. एक है external anal sphincter और दूसरा है इंटरनल एनल स्पिंक्टर. इंटरनल का मतलब जो अंदर पोर्शन है, दैट इज इंटरनल, एंड एक्सटर्नल का मतलब बाहर, यानी यानी मसल्स. ठीक है, सो देयर आर टू इंटरनल, देयर आर टू एनल स्पिंक्टर. एनस में स्पिंक्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं एनल स्पिंक्टर. दो तरीका है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल. ठीक है, ये जो एनल स्पिंक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये बंद करते हैं और ये खुल जाते हैं. So, if there is stool, okay, if there is feces, okay, agar if there is any stool or feces in the rectum, okay, maan lo upar se large intestine se wo jo fecal matter hai, wo dheere dheere ja rahe hain into the sigmoid colon, phir dheere niche aur jaate hain into the rectum, phir yahan pe pahunch jaate hain. ठीक है, जब यहाँ पे रेक्टम के अंदर पहुँच जाते हैं तो फिर ब्रेन को मैसेज मिल जाते हैं कि रेक्टम फिल्ड है. ठीक है, फुल हो गया. ठीक है, तो फिर जो ब्रेन है, इट विल सेंड अ मैसेज टू द एनल स्पिंक्टर. ठीक है, इट विल सेंड अ मैसेज टू द एनल स्पिंक्टर, बोल देंगे कि खोलो, अभी खोलो, क्योंकि रेक्टम फिल्ड हो गया, फुल हो गया, तो अभी तुम्हारा काम क्या करना है, खोलो. सो फिर ये जो स्पिंक्टर्स है, ये जो एनल स्पिंक्टर है, वो खुल जाएगा. व्हेन वी ओपन, देन ओनली वी विल पास स्टूल. ठीक है, सो ये जो स्पिंक्टर्स है, इसका काम क्या करना है, बंद करना है एंड खोलना. ठीक है, जब रेक्टम फुल हो जाते हैं, यहाँ से मैसेज जाते हैं ब्रेन तक. ठीक है, बोलते हैं कि मैसेज, ऐसे मैसेज आते हैं कि इट इज़ फुल. ठीक है, ऐसे सेंसेशन आते हैं, दैट इज फुल. So the brain will send a message to the anal sphincter and the anal sphincter will open. ठीक है, जब ये ओपन हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, तो फिर ये जो स्टूल कंटेंट है वो निकल जाएगा. ठीक है, इट विल गो इन टू द कॉमोड ऑफ द टॉयलेट. ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल क्या है कि ये जो एनल स्पिंक्टर है, ये टाइट होना चाहिए एंड इट शुड बी लूज. ठीक है, जब पूरा स्टूल कंटेंट निकल जाते हैं, if all the rectum is all the bowel content is coming out, theek hai, fir ye band ho jayega. Theek hai, so it is opening and it is closing. Okay, so this is normal. Lekin fecal incontinence mein kya hai ki ye jo anal sphincter hai, ye apne aap khul jate hain. Theek hai, there is loss of voluntary ability to control फीकल और गैशेस डिस्चार्ज. मतलब ये जो एनल स्पिंक्टर है, ये मे बी इसमें कोई मसल्स में डैमेज हो रहा है, क्योंकि ये एनल स्पिंक्टर है, दीस आर ऑल मसल्स. ठीक है, अगर कोई इंजरी हो गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक सेक्शुअल असॉल्ट, रेप हो, सो यू नो लाइक इफ देर इज एनी इंजरी, ठीक है, रेप के वजह से या कोई भी सेक्शुअल असॉल्ट की वजह से या एनी इंजरी, एनी एक्सीडेंट, तो ये जो एनल स्पिंक्टर्स हैं, इसमें इंजरी हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो उसकी वजह से ये जो मसल्स है, ये कमज़ोर हो जाते हैं. ठीक है, जब मसल्स कमज़ोर होगा, एनल स्पिंक्टर कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर ये बंद नहीं होगा. ठीक है, इट विल ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, जो भी ऊपर से फीकल कंटेंट पहुँच जाते हैं रेक्टम, फिर ये जो रेक्टम है, ये अपने आप निकल जाएगा. ओके, एंड the person will not have any sensation, they will not have the control. Okay, they will not be able to control, wo power of control nahi hoga unke paas ki mujhe anal sphincter ko band karna hai. Okay, so this is called fecal incontinence, that is loss of control, a loss of voluntary ability to control the feces discharge or gaseous discharge.
they are not able to control the sphincters. Okay, so this is called fecal incontinence. Is this clear with this fecal incontinence? Is there a doubt here? Anybody has any doubt? No, ma'am. So, like I said, generally, fecal incontinence, it is associated with any impaired function of anal sphincter. वो ही मैं बोल रही हूँ कि अगर anal sphincter, अगर ये muscles हैं, अगर ये injured हो गया, damaged हो गया, या कोई है ना, या destroyed हो गया, तो फिर ये anal sphincter काम नहीं कर पा रहा. So it will not close. Yeah, it will not open. It will not close. Yes, it will not close. वो खुल जाएगा, ठीक है? So जो भी stool content है या जो भी bowel content है वो अपने आप निकल जाएगा, तो leakage हो जाएगा. By the time you reach, especially diarrhea, ठीक है? जब diarrhea होगा तो फिर because the feces are liquid, है ना? तो by the time you reach the washroom, फिर जो भी स्टूल कंटेंट है वो लीक हो जाएगा इन दी अंडर गार्मेंट्स. ओके, इट विल लीक एंड पेशेंट कैन हैव सम प्रॉब्लम, दे कैन बी इन्फेक्शन ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट कॉज इज बिकॉज एनी डैमेज इन दी एनल स्पिंक्टर और एनी डैमेज इन दी नर्व सप्लाइज. नंबर टू, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर डिजीज. ठीक है, एनी डिजीज कंडीशन जहाँ नर्व्स भी अफेक्टेड हैं और मसल्स भी अफेक्टेड हैं, दोनों अफेक्टेड हैं, नर्व्स और मसल्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में पेशेंट को फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है. स्पाइनल ट्रॉमा, ठीक है, स्पाइन में, अगर स्पाइन में कोई भी इंजरी, स्पाइनल इंजरी हुआ है एक्सीडेंट की वजह से, कार एक्सीडेंट या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से, या कोई भी ट्रामा की वजह से पेशेंट को, पेशेंट की जो स्पाइन है वहाँ पे इंजर्ड हुआ है या इंजरी हुआ है, डैमेज हुआ है, तो पेशेंट कैन हैव फीकल इनकॉन्टिनेंस. एंड लास्ट इज ट्यूमर. ओके, सो इफ देयर इज एनी ट्यूमर इन द रेक्टम, इफ देयर इज एनी ट्यूमर और एनी कैंसर इन द एनस एरिया और रेक्टम एरिया और सिग्मोइड कोलन एरिया, देन दैट कैन ऑल्सो लीड टू फीकल इनकॉन्टिनेंस. देन वट आर द नर्सिंग रोल? इनकॉन्टिनेंस कैन हार्म अ पेशेंट्स बॉडी, तो एम्बैरेसमेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इंडिविजुअल को या इंसान को कंट्रोल नहीं करता, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल. ठीक है, वो एनल स्पिंक्टर्स वो बंद नहीं हो रहा है, वो अपने आप खुल जाते हैं, तो फिर क्या हो जाए, क्या होगा, जो स्टूल है वो लीक हो जाएगा. ठीक है, इट विल लीक इन दी अंडर गार्मेंट्स. फिर यू नो देर विल बी स्मेल, बैड स्मेल होगा और वो एम्बेरसमेंट हो जाता है. एंड इनकॉन्टिनेंस प्रीडिस्पोसेस द स्किन टू ब्रेक डाउन. ठीक है, जब स्टूल कंटेंट हम इट इज कमिंग ऑन कॉन्टैक्ट विद द स्किन, ठीक है, हमारी स्किन के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो दे कैन बी इन्फेक्शन. ठीक है, स्किन ब्रेक डाउन एंड कैन कॉज इन्फेक्शन. सो दिस इज अबाउट फीकल इनकॉन्टिनेंस. देन कमिंग टू द लास्ट इज द फ्लैटुलेंस. ठीक है, फ्लैटुलेंस इज एक्सेसिव फ्लैटस इन intestine, excessive gas in the intestine. Okay, so this leads to stretching and inflation of the intestine. So jab zyada gas present ho jate hain in the intestine, hello, you can hear? Yes, ma'am. So if there is any gas, or if there's excessive gas in the intestine, then that can lead to stretching and inflation of intestine. ठीक है, और ज़्यादा gas formed क्यों हो रहा है, क्योंकि because of food. ठीक है, specific vegetables जैसे cabbage या broccoli. ठीक है, ये जो vegetables हैं ये gas formed हो सकते हैं, it can cause gas formation in the stomach, in the intestine. ठीक है, तो इसकी वजह से patient can have excessive flatus. ठीक है, excessive gas pass करना. Then because of any abdominal surgery and narcotic surgery के बाद भी there can be some problem and can lead to excessive gas passing. And narcotics, medicines, injections, ठीक है, drugs, because of some drugs also patient can have excessive flatus in the intestine.
ठीक है. सो दिस इज अबाउट फ्लैटलेंस. फ्लैटलेंस इज नथिंग बट एक्सेसिव गैस पासिंग ऑफ गैस. ठीक है. सो दीज आर द फोर प्रॉब्लम्स. ओके सो दीज आर द फोर प्रॉब्लम्स ऑफ बाउल बाउल फंक्शन. ठीक है. सो टुडे आई हैव स्टॉप्ड इट हियर. टुमारो आई विल डू ब्लैडर फंक्शन. ठीक है. सो इन रिमेंबर बाउल फंक्शन में द प्रॉब्लम्स आर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, बाउल इनकॉन्टिनेंस एंड लास्ट फ्लैटलेंस, दैट इज एक्सेसिव पासिंग ऑफ गैस. ठीक है. दिस इज क्लियर विद एवरीवन. Thank you.